नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष हेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि ग्रह का वक्री प्रभाव कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी राशि से चौथे भाव में यानी शुक्र भाव में शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवम्बर 2023 तक। 140 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ वो चंद्र राशि के आधार पर यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर जन्म पत्रिका का चार्ट मैंने बनाया। आपकी राशि से चौथे भवन में जहाँ 11 अंक लिखा हुआ शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं और ये वक्री प्रभाव पहले तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया थी, अब शनि ग्रह आपको इस ढैया से मुक्त करने वाले हैं। यहाँ पर 140 दिन का सर समय है, वक्र में आपको लाभ देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों। ये है, ये भवन जो है सुखों का है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, माता पिता माँ के संबंध में है, सुख संबंध में है, जनता का भवन है ये। तो यहाँ पर आपको शनि ग्रह माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं समाप्त करेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद थे वो विवाद समाप्त करेंगे, सुख मानसिक जो तनाव था आपके ऊपर सुखों की वर्षा करेंगे, कुछ भी समस्याएं पहले थी परिवार संबंध में वो समस्याएं शनि ग्रह समाप्त करने के कगार पर ले आएंगी, मन मिटाव समाप्त करेंगे, आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। पहले बहुत समय से आप सोच रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने की, तो ये समय बहुत उचित है, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। विवाद हैं संबंध में वो आप क्लियर हो जाएंगे, कोई आप किसी के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे यानी कि किसी के साथ आपकी कोई वाद विवाद चल रही थी वो वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे। और शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं, शनि ग्रह की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि होती है। तो शनि ग्रह जब तृतीय दृष्टि से छठे भवन पे देखेंगे, रोग शत्रुओं के भवन पे देखेंगे, कर्ज भवन पे देखेंगे तो कर्जा आपका कम होने वाला है, शत्रु जो पहले बढ़ रहे थे वो शत्रु भी आपके कम होंगे, और स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो चिंताएं भी दूर होने वाली है। और शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भवन पर पड़ती है, जो आप मेहनत करें कार्यस्थल पर, जो जहाँ भी आप रहते हैं रोजगार करते हैं व्यापार करते हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ पर जो भी मतभेद थे अपने सीनियर के साथ जूनियर के साथ या किसी बात को लेकर अनबन थी वो अनबन भी दूर होने वाली है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, कार्यस्थल पर उन्नति के अवसर मिलेंगे, रोजगार वृद्धि के योग बनेंगे, कैरियर संबंध में कुछ भी आप बदलाव करना चाहते थे स्थानांतरण करना चाहते थे स्थानांतरण के योग बनते हैं, विदेश जाने का योग बनता है, लाभ के अवसर आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में भी जो मतभेद थे वो मतभेद समाप्त होंगे, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दूर होंगी, विदेश में जो वृश्चिक राशि वाले रहते हैं वहाँ पर जो भी मतभेद थे वहाँ मतभेद समाप्त होंगे, उन्नति के अवसर शनि ग्रह 140 दिनों में आपको दे रहे हैं। शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो आपकी राशि में पड़ती है, तो राशि में पड़ने से मानसिक तनाव था, जो भी परेशानियाँ थी वो परेशानी दूर होंगी, आपकी गति बहुत कम हो गई थी, पढ़ने लिखने में भी आप कमज़ोर हो रहे थे, कारोबार में भी आपका मन नहीं लग रहा था, कुछ भी काम करते थे हर काम में आपको लेट लतीफ हो रहे थे, आपको कुछ फल एकदम नहीं मिल पा रहा था, वो सब समस्याएं धीरे 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 दूर हो जाएंगी और आपके अंदर नई ऊर्जा नया उत्साह आपके अंदर बनेगा। तो यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा, तो शनि ग्रह आपके ऊपर चारों दिशाओं से आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों। आपने उपाय ये करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा अवश्य चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल की प्रसन्नता के लिए और शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन भी आपने हनुमान जी की उपासना करनी, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और शमी का वृक्ष घर में लगाएं, उस पर दिया जरूर लगाएं, पीपल के वृक्ष पर जा करके पानी का सिंचन करें, उस दिन भी दिया लगाएं पीपल के वृक्ष पर भी, और साथ में घर 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 के दक्षिण दिशा में यानी कि राइट हैंड पर आप नित्य
हम दिया जरूर लगाएं, वहाँ पे तुलसी का वृक्ष रख ले, तो वहाँ पे सायंकाल पे भी आपने नित्य दिया लगाना है। और एक काला धागा लेकर के 7 गांठों वाला धागा बनाएं और किसी भी मंत्र से मंत्रित करके हाथ पर जरूर बांधें। सूर्य की उपासना करें, माँ भगवती की उपासना करेंगे तो ये वक्री काल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।